एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ये देखिए, लगातार बारिश की वजह से पूरा बाहर गंदा हो रखा है, और ये और उनके साथ कोई एक और लेकर चारों तरफ सफाई में जुटे हुए हैं। चारों तरफ बहुत गंदगी हो गई है, लगातार यहाँ 7 दिनों से बारिश हो मैं रही है। पानी बॉईल किया है और उसमें मैं डालूंगी 2 शिमला मिर्च है, 2 नहीं डालूंगी, 1.5 ही डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा ये कहीं कहीं से ख़राब है तो इसे मैं निकाल दूंगी। प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है, सबको मैं काट लूंगी और पानी में थोड़ा सा डालूंगी रिफाइन ऑयल। उसके बाद इसमें डालूंगी पास्ता, जितने लोगों के लिए आपको चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बस बना रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ और कोई नहीं खाता है ये सब। पास्ता बॉईल हो रहा है तब तक मैं व्हाइट सॉस बनाती हूँ। पैन गरम हो गया है, इसमें आप बटर या घी डाल सकते हैं 1 चम्मच। बटर मेरे पास तो अभी है नहीं तो मैं इसमें 1 चम्मच डालूंगी घी। थोड़ा सा घी गरम हो जाए उसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा। इसमें डालूंगी तेज पत्ता, ये गरम हो गया है, 1 चम्मच मैदा। गैस का फ्लेम एकदम कम कर देना है, इसे भूनते जाना है कम। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, पर इसे ब्राउन नहीं होने देना है, इसको क्रीमी करना है। और मैं उतना ही बना रही हूँ ये सॉस जितना मुझे यूज करना है अभी। अब इसमें थोड़ा सा काला, सॉरी, गोल मिर्च पाउडर, दूध डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। 1 गिलास से थोड़ा सा कम मैंने लिया है इससे, ये इस वाले ग्लास से ते जाना है बिल्कुल। थोड़ा सा नमक भी डालना है इसमें, थोड़ा सा नमक। ये देखिए सॉस बन के लगभग रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है, बस इसे बंद कर दूंगी। अब कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया प्याज भूनने के लिए, और यहाँ पे देखिए ये पास्ता को मैंने छान के रख दिया ठंडे पानी में ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब इसमें मैं डालूंगी रिफाइन ऑयल थोड़ा सा, कढ़ाई गर्म हो जाए। कढ़ाई गर्म हो गया है, थोड़ा सा रिफाइन ऑयल 2-3 चम्मच, और ये प्याज है, हरी मिर्ची जो मैंने आपको दिखाया था, और इसी प्याज में मैं शिमला मिर्च डाल दूंगी। प्याज थोड़ा सा बस सॉफ्ट हो जाए उसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च डालूंगी। हमें ज़्यादा ये जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए पूरा किचन बिखरा पड़ा है मेरा, अभी फटाफट मैं निपटाती हूँ। ये प्याज थोड़ा सा क्रीमी हो गया है, इसमें मैं डालूंगी शिमला मिर्च। अच्छे से चारों तरफ से निकाल लूंगी ताकि वेस्ट ना। ये भून गया, इसमें मैं टमाटर डालूंगी। और गुनगुन मुझे कब से परेशान की हुई है, मम्मी कब तक बनेगा, कब तक बनेगा। बच्चों को ना पेशेंस नहीं होता है बिल्कुल, एकदम परेशान करके रखी हुई है। क्या तुमको खाना है ये हमको बता दो, वही खाना है तुमको, प्लेट लगा के बैठी हुई है। बस बेटा बन के रेडी हो रहा है, बस बस ये भून के रेडी हो गया। इसमें नमक और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, उसके बाद इसमें मैं डालूंगी पास्ता। अब ये देखिए ये पास्ता अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें मैं डालूंगी व्हाइट सॉस। पास्ता रेडी, बच्चों के मुंह में पानी आ रहा है, सारे लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं यहाँ पे। मैं तो जा रही हूँ बच्चों को नाश्ता देने, आप लोग भी कीजिए।
ये देखिए गुनगुन को, रात को पुआ बना था तो वो पुआ लेकर और कैसे आराम से मजे ले रही है। पास्ता पास्ता कर रही थी पर पास्ता खाई नहीं है। नहीं, क्यों नहीं खाई? अच्छा तीता, चटपटा तो अच्छा लगता है, बाहर का आएगा तो अच्छा लगेगा तुमको। नहीं लगता है, मुझे बाहर का पुआ अच्छा लगता है, पुआ। अच्छा ये पुआ, ठीक है खा लो। युग नाश्ता वास्ता करने के बाद अब इन लोग का एग्जाम का डेट कैंसिल हो गया। लगातार बारिश होने के कारण 7 दिनों से यहाँ पे बारिश हो रही है। एक तो गर्मी, ऊपर से 2 दिन लाइट नहीं आने वाली है यहाँ पे। कल एक दिन हो गया, आज दूसरा दिन है। और मौसम देखिए थोड़ा सा तो खुला हुआ है मौसम, पर 7 दिनों से लगातार बारिश बारिश बारिश। कितने पेड़ देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा मेरा पेड़ था, मैं दिखा रही हूँ अभी आपको, सम्मी का, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा था। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा टूट गया है ऊपर से, अभी इसे कटाया गया है। तो इतनी तेज हवा और बारिश पूछिए मत। मैं तो अपनी मतलब यहाँ जब से आई हूँ शादी करके, तब से पहली बार इतनी बारिश देखी हूँ, वो भी लगातार। ये देखिए कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, एक डायरी के लिए। एक डायरी था मेरे पास, वो थोड़ा सा अच्छा था, मतलब जैसे कुछ भी चीज़ें रखनी हो, चेन वेन था उसमें। तो मम्मी किसका है, मम्मी किसका है, उसको पता है कि मम्मी का है, मम्मी किसका है, मम्मी अभी तुम्हारे काम का है, मम्मी क्यों यू मिल गई है। हेलो बोलो। हेलो, मिल गई अब खुशी से एकदम, पता नहीं क्या करेगा उसमें, क्या करोगे? कुछ भी करूँगा। ठीक है ले जाओ। नाश्ता वास्ता करने के बाद सब लोग जाता है, एकदम रेस्ट में है। थोड़ा सा मौसम आज अच्छा हुआ है, और दोपहर में आज लंच नहीं बन रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि नाश्ता थोड़ा हैवी हो गया था। हम लोग तो पास्ता ही खाए थे और माँ रोटी खाई थी नाश्ते में, दोपहर में बोली है कि बेसन का चिल्ला खाएगी, तो सब सोचेगी क्या फ़ायदा फिर लंच बना के, कोई खाने वाला भी नहीं है। आज मैंने पता है पिंडी छोला बनाने वाला मैं हूँ कि आप लोगों से हर एक चीज़ अपना शेयर करती हूँ, सुबह का रूटीन, दोपहर का, शाम का, हर एक चीज़। और आप लोग हैं कि जो मेरा वीडियो शेयर ही नहीं करते हैं। अरे यार थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, और लाइक बटन भी दबा दिया करो। जितने सब्सक्राइबर हैं उतने तो लाइक मिलने ही चाहिए, क्यों आप क्या कहते हैं? ये देखिए, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पापा और बेटे में एक राउंड मैच ना हो। ये दूसरी राउंड है, सबकी नजर रानी पे है, किसके हाथ में रानी जाने वाली है, क्वीन। बेटे की भी नजर रानी पे और बाप की भी नजर रानी पे, देखते हैं कि बाजी किसकी होती है। आप लोगों को पता है मुझे ब्लॉगिंग का शौक कहाँ से लगा था? मैं इंडियन ब्लॉगर सोमली का ब्लॉग देखती थी, रश्मि शर्मा देहरादून, ये दो लोगों का ब्लॉग मैं कंटिन्यूस देखती हूँ, आज भी देखती हूँ, हमेशा से मुझे बहुत अच्छा लगता था। अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगा कि मैं भी ब्लॉगिंग करूँ। सोची कि चलो, बीच में मेरा एक चैनल था पर वो मैंने कुछ कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने उसे बंद कर दिया था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे। पर अभी मैं बहुत फ्री हूँ और कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब काम बहुत ज़्यादा है इस वजह से मैं करती हूँ। कुछ लोगों का कंप्लेन तो मतलब कमेंट्स पे नहीं ऐसा आया है, लेकिन कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये था कि मुझे बोलने नहीं आता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि बोलने नहीं आता है, छोटे शहर में रहती हूँ तो गंवार हूँ या फिर जो भी है। ऐसा कुछ थॉट अपने मन में जो रखता है वो गलत चीज़ें होती हैं। सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए सबको, मैं भी अक्सर ऐसा ही करती हूँ, सबके बारे में अच्छा ही सोचती हूँ, क्योंकि अच्छा सोचूंगी, अच्छा करूँगी तभी मेरे साथ अच्छा होगा। दूसरे के बारे में बुरा सोचूँ और अपने बारे में सोचूँ कि भगवान मेरे लिए अच्छा करे, तो ऐसा नहीं होता है कुछ भी। शायद आप लोग भी मेरी बातों से सहमत होंगे। खैर छोड़िए इन सब बातों को, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल को बहुत बुरी लगती हैं, और अक्सर इंसान को ऐसी बातें कभी नहीं करनी चाहिए जो सामने वाले के ऊपर बुरा असर छोड़ता है, मेरा तो यही मानना है। काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रही हैं आप लोगों से। अभी शाम के 6 बजे हुए हैं और मैं जा रही हूँ किचन में रात का डिनर बनाने। मैंने बताया था आपको कि मैं पिंडी छोला बनाने वाली हूँ, पर आज पिंडी छोला तो कैंसिल हो गया है, नॉर्मली छोला में ही बनाऊंगी, चना, काबली चना। चलिए आपको शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ।
ये देखिए चना में मैंने पानी डाला है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और 2-3 सीटी लगवाऊंगी बॉईल करने के लिए। ये देखिए मैंने कढ़ाई, कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसके लिए मैंने लिया है देखिए ये 2-4 पोटियां हैं लहसुन की, हरी मिर्ची और सूखा लाल मिर्च, तेज पत्ता जिसे मैंने छौंक देना है मुझे इसे, और थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा नहीं 3-4 बड़ा बड़ा प्याज है ये। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, पहले मैं लहसुन को भून लूंगी इसमें गोल्डन। ये देखिए लहसुन भून के मैंने निकाल लिया है, अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी तेज पत्ता, पचफोरन और लाल मिर्च, इसमें प्याज। मैंने प्याज 2 तरीके से काटा है, थोड़ा सा मोटा और एक मैंने इसमें ग्राइंड किया है थोड़ा सा पतला। ये है सूखा लाल मिर्च जो बिल्कुल तीखा नहीं होता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा तीखापन के लिए मैं हरी मिर्ची यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं इसमें बारीक काट कर उसमें प्याज में डालूंगी अभी। अब इसमें मसाला, नमक, नमक मैंने छोले में भी डाला था इसलिए थोड़ा सा कम नमक डालूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा गोल्ड मिर्च पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालना है इसमें। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से 5 मिनट तक भूनना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ये बॉटल है जो अदरक लहसुन का है उसी में मिला के खत्म हो गया है तो मैं इसी में डाल दे रही हूँ इसको और इसे ढक के 5 मिनट तक पकाना है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। इसमें मुझे 2 चीज़ें अभी मिक्स करना है, गरम मसाला और अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर मैं सबसे लास्ट में मिक्स करूँगी, अब गरम मसाला मैं इसमें डालूँगी। इसको अच्छे से मैश कर देने से थोड़ा ग्रेवी गाढ़ा होता है। ये देखिए थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे 2-3 मिनट तक ढक के पकाएंगे। ये देखिए चना बिल्कुल आराम से हो गया है, इसका पानी मैंने निकाल दिया है। देखिए बस प्रेशर एक बार लगेगा तो बहुत अच्छी सब्जी तैयार हो जाएगी। देखिए मसाला पक गई है मेरी, इसमें अमचूर पाउडर में डालूंगी थोड़ा सा, उसके बाद मैं कुकर में, यहाँ पे कुकर में जो मैंने लिया था चना उसी में मिक्स करके और थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये देखिए मसाला मैंने मिक्स कर दिया है और इसमें पानी डाल के प्रेशर दिलवा दूंगी। दरअसल कुकर में बनाने से ये होता है कि थोड़ा सा ग्रेवी इसकी गाढ़ी होती है। ये देखिए छोले बनके रेडी हो गए हैं, मैं जा रही हूँ सबको डिनर कराने, आप भी खाइए। चलिए मिलती हूँ फिर कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।